हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये वीडियो मेरी पुरानी वीडियो से काफ़ी अलग होगी और थोड़ी लंबी भी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी ट्रेवलिंग जर्नी स्टार्ट करी, कैसे आप अपनी ट्रेवलिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, क्या गलतियाँ थी जो इस ट्रैवलिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने करी, और आप उन गलतियों को करने से बच सकते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में मैं बताऊँगा। पहला टॉपिक है इंट्रो ऑफ वीडियो, कि इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये रहेगा कि मैंने अपना कैरियर ऐसे ट्रैवलिंग क्यों स्टार्ट किया, सोलो ट्रैवलिंग क्यों किया, क्या लड़कियों के लिए सोलो ट्रैवलिंग सेफ है या नहीं, क्या मिस्टेक है जो मैंने जर्नी को स्टार्ट करने से पहले करी, और कैसी जगह कैसे फ्रॉड से बचे हैं, कैसी जगह जो आप जा सकते हैं ट्रैवलिंग में, कैसी जगह अवॉइड करें या कम जाएँ, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। क्या DSLR ज़रूरी है ट्रैवलिंग के लिए, ये सब टॉपिक के बारे में बात होगी। क्या आप कैंपिंग टेंट या स्लीपिंग बैग से पूरा इंडिया घूम सकते हैं, जिसे कई लोग घूमते हैं, वो लोग तो एक ट्रैवलर साइकिल से ही पूरा दुनिया घूम रहे हैं। तो ये सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मेरा नेक्स्ट ट्रिप क्या, हम लोग का पहला टॉपिक है व्हाई आई चूज माय करियर एज ए ट्रैवलर। मैंने एज ए करियर ट्रैवलिंग को चूज़ किया, कुछ जैसे जॉब है या बिजनेस है, वो क्यों नहीं करा। तो अभी मैं 2.5 साल से एक जगह जॉब कर रहा था, लेकिन मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था। कुछ एक ही काम रोज़ कर रहे हैं, आप लोग जो लोग जॉब करते होंगे वो लोग जानते होंगे, एक ही चीज़ बार बार करे रहेंगे तो आप बोर हो जाते हैं एक काम करने से। और ये ट्रेवलिंग का मैंने बहुत रिसर्च करी इसके बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, क्या क्या है जो और भी किया जा सकता है। उसे जॉब से मन नहीं लगा तो मैं लोग कहते हैं बिज़नेस कर लो, बिज़नेस में भी तो वही है, आप बोर हो जाएंगे कुछ दिन बाद एक ही चीज़ कर कर। बिजनेस में भी कुछ नया करने को इतना होता नहीं, जॉब से अच्छा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ऐसे मैं ढूंढ रहा था करियर कि क्या होना चाहिए। तो 1-1.5 साल से मेरे दिमाग में चल रहा था ट्रैवलिंग में कोई मैं ऐसे करियर चुनूँ, क्योंकि मेरे अंदर से आ भी रहा था, पैशन भी था, थोड़ा लग भी रहा था कि मैं ट्रैवलिंग ऐसे करियर चूज़ कर लूँ सही रहेगा। तो ये इसके लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों को देखा जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, ट्रैवलिंग से पैसा भी कमा रहे थे वीडियो बना के। मैंने भी सोचा, जैसे कुछ लोग तो जो विदेश भी घूम रहे, कुछ लोग भी इंडिया में ही हैं, बहुत सारे ट्रैवलरों से मैंने बात भी करी। ज़्यादा बड़े जो ट्रैवलर हैं उनसे तो मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन जो छोटे ट्रैवलर हैं मीडियम साइज हैं उनसे मैंने बात भी करी। तो मैंने उनसे पूछा भी क्या कैसे स्टार्ट किया जाए, क्या चीज़ें, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई भी कि कैसे कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, लोग लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। बस कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो चीज़ों के बारे में आम आदमी नहीं जानता है, जो लोग घूम चुके हैं उनको थोड़ा ज़्यादा जानकारी होती है। आजकल तो इंटरनेट की दुनिया, आप चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे चीज़ें हैं, क्या चीज़ों से आप कम से कम पैसों में सस्ते में घूम सकते हैं। और ट्रैवलिंग ऐसी करिए, आप घूमिए, उसका पैसा भी मिले, इससे अच्छा करियर और क्या हो सकता है। तो मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई आई चूज सोलो ट्रैवलिंग। मैंने सोलो ट्रैवलिंग क्यों चूज़ करी, एक ग्रुप में जान ना ट्रैवलिंग करके, या फिर ऐसे बहुत सारे ग्रुप में ट्रैवलिंग होती, काफ़ी प्लान में ट्रैवलिंग करने की करी कि एक जगह से दूसरी जगह फिक्स रहता है, यहाँ से यहाँ जाना है, ग्रुप में लोग रहेंगे उनके साथ जाना है। तो सबसे बड़ी तो ग्रुप में ये होती कि वो लोग जहाँ जहाँ बताएंगे वहाँ आपको जाना पड़ेगा। सोलो ट्रैवलिंग में वो फ्रीडम रहती, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। वहाँ का आपका प्लान था, वहाँ आपका मन नहीं, आपने सुना कि वो अच्छी जगह नहीं है, दूसरी जगह जा सकते हैं, फिक्स नहीं होता कुछ भी, कहीं पर भी जा सकते हैं। 2 लोग रहोगे, 3 लोग रहोगे या ज़्यादा लोग रहोगे तो आप फिक्स घूम नहीं सकते हो, आपको सबके मन के हिसाब से चलना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, मेन बात है एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप सोलो ट्रैवलिंग में आपको पूरी फ्रीडम रहती है कि आप जहाँ चाहें कर जा सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। और सोलो ट्रैवलिंग के काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी है। जैसे सोलो ट्रैवलिंग अगर आप करेंगे तो, जैसे अगर रूम वूम लेंगे तो उसमें आपको पैसा ज़्यादा लग सकता है, 2-3 लोग रहोगे तो थोड़ा बढ़ जाता है रुपया, या फिर और भी कुछ, जैसे आप ऑटो बुक करिए या कुछ भी शेयर कर लोगे तो खर्चा कम हो जाता है। और अगर ऐसे आप सोलो रहोगे तो आपका खर्चा हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन अगर आप थोड़ा जानकारी से संभल के चलोगे तो आपको ज़्यादा रुपया लगेगा नहीं सोलो ट्रैवलिंग में भी, आप ज़्यादा आगे चल के बताऊँगा कैसे।
हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेवलिंग। कि हम लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं इससे हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं हम लोग को ट्रेवलिंग करने से। तो सबसे पहला तो होता है कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब जैसे मैं पहले वीडियो बनाता था और अब बनाता हूँ, तो मैं उतना एक लेवल जो होता है वहाँ तक मेरा कॉन्फिडेंस अभी नहीं है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये वीडियो आप देखिए, मेरी पहली वीडियो है, इसका कॉन्फिडेंस देखिए और आपका देखिए, थोड़ा बहुत चेंजिंग तो आया। ब्रज भाषा सीख लो तो हमने कहा कैसे बोली जाती है, तो कहते हैं कि जैसे आपके यहाँ कहते हैं कि भैया मान लो एक जगह है रामनगर, रामगढ़, भैया रामगढ़ जाना है, कितने रुपए लोगे? कहते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से बोला जाता है, रामगढ़ जाइयो, रामगढ़ जाओगे भैया, रुक जाओ। तो देखा आप लोगों ने कि पहली वीडियो में मैं बोल भी नहीं पा रहा था जो मुझे बोलना था, इसमें मुझे कम से कम 4 से 5 टेक लेने पड़े थे तब जाके मैं बोल पाया था। तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। वैसे भी थोड़ा शाय टाइप का जो लोग होते हैं, जो मैं थोड़ा शाय टाइप का, तो थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है। तो उन लोगों को ट्रैवलिंग करने से उन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, जैसे मेरा ट्रैवलिंग से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है। और ट्रैवलिंग से, जैसे सोलो ट्रैवलिंग से मैनेजमेंट जो होता है, वो मैनेज करना चीज़ों को, वो आपको आ जाता है। जैसे आप ग्रुप में रहोगे या घर में रहते हो, काफ़ी लोग होते हैं चीज़ें मैनेज करने वाले, लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो स्पेशली सोलो, तो आपको भी अपने हिसाब से सब मैनेज करना पड़ता है, मैनेज करके चलना पड़ता है। आपको इसे संभालना है, बैग देखना है, फ़ोन देखना है, जो भी चीज़ें आपको देखना पड़ता है, तो आप खुद ही मैनेज करोगे, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैनेजमेंट भी आपका सही हो जाता है। तो यही सब टॉपिक होते हैं, चीज़ें होती हैं जो आपको सही आती हैं। और ट्रैवलिंग करने से आपको नए नए लोग से मिलने का मौका मिलता है, उनकी नई नई लैंग्वेज सीखने को मिलता है। कई लैंग्वेज ऐसी होती होंगी जो आप चाहोगे, जब एक तो मोटी मोटी लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन हम लोग के हर 100 किलोमीटर में जैसे भाषा बदलती है, तो ऐसे ऐसी लैंग्वेज सीखने मिलती है। जैसे मैंने बताया था आपने एक वीडियो में कि जो ब्रज भाषा होती है उसमें इस तरह के बोलते हैं कि भैया कहाँ जा रहे हो, कितने रुपये लोगो, इस टाइप की कुछ भाषा होती हैं। हरियाणवी, पंजाबी, पता नहीं कितनी भाषाएँ हैं, तो मेन भाषाएँ लिखी है। इसके अलावा भी जो छोटी छोटी भाषाएँ हैं वो सीखने को मिलती हैं। भाषा के अलावा आपको नए नए कल्चर जानने को मिलता है, नए नई भाषाएँ, नए नए कल्चर जानने को मिलेगा, तो आपका दिमाग भी खुलता है इससे। एक घर में रहेंगे तो ये सब तो जानने मिलेगा नहीं, मिल भी जाएगा फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट है तो उतना नहीं पता चलता। जब आप खुद जाओगे, खुद से जानोगे चीज़ें, तब आपको ज़्यादा पता चलता है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ट्रेवलिंग के, कॉन्टेक्ट्स बनते हैं आपके, नए नए कॉन्टेक्ट्स बनेंगे। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से मिला था, बिल्कुल बता नहीं सकता। जो आम आदमी पार्टी जब शुरुआत हुई थी, तब जो कुछ लोग थे उनमें से एक लोग से मैं मिला था, का नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन काफ़ी बड़े हैं। मैं उसमें ट्रेन में जा रहा था तो मुझे मिले, तो मैं तो उनको पहचान भी नहीं पाया था। बाद में जब उन्होंने वीडियो वीडियो दिखाई, तब मैं जान पाया कि हाँ ये हैं। अभी तो उन्होंने फिलहाल आम आदमी पार्टी तो नहीं ज्वाइन करी, लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन से थे वो, तब से उस अन्ना हजारे आंदोलन की शुरुआत जो किया था उन लोगों ने, उनमें से कुछ लोग थे वो, तो उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे बहुत सारी जानकारी मिली। अगर मैं घर में रहता तो बिल्कुल नहीं जान पाता। उन्होंने दिखाया भी कैसे मेरे न्यूज़ चैनल थे, मिलिए न्यूज़ थे उनके न्यूज़ चैनलों में, नया चैनल पता नहीं उन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं, फिर से वो कुछ करना चाहते हैं। काफ़ी चीज़ें थी, मैं बाकी चीज़ें बताना चाहता। और वैसे हौसले मिले नए नए लोग, आगरा में एक लड़का मिला था मुझे, वो आगरा से दिल्ली जा रहा था, उसने भी अपनी स्टोरी बताई थी। बहुत सारे लोगों से आपको जानने को मिलता है, कैसे वो भी अपनी अब ट्रैवलिंग जर्नी स्टार्ट करने वाला है, उसने मुझे बताया था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से जानने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, क्या सोलो ट्रैवलिंग लड़कियों के लिए सेफ है, इस सोलो ट्रैवलिंग सेफ फॉर वुमेन? तो ये बहुत सारा लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या लड़कियों के लिए सेफ है ट्रैवलिंग, स्पेशली सोलो ट्रैवलिंग। लड़के तो चलो ठीक है, लेकिन इंडिया में अभी लड़कियों के लिए इतना सेफ है क्या? तो मैं कहना चाहूँगा, चाहे लड़की हो या लड़का, थोड़ा अगर दिन टाइट लो तो इतना तो नहीं है, कोई ज़बरदस्ती आपको ले जाए इस टाइप का कुछ तो नहीं है, कहीं पर भी आप चले जाइए पूरे इंडिया में। लेकिन अगर आप नाइट में हो तो थोड़ा, मैं कह रहा हूँ नाइट में थोड़ा जाने से बचें, कहीं पर भी आप ट्रेवल कर रहे हो, ज़्यादा रात हो गई है अकेले जाने से बचें, क्योंकि सोलो ट्रेवलिंग कर रहे हो आपको पता नहीं हो कैसे है। तो वैसे ओवरऑल मैंने देखा जाए तो लड़कियाँ घूमती हैं, मैंने बहुत सारे स्पेशली
लड़कों से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ लड़कियाँ जो मुझे मिली थी जो घूम रही थी सोलो सोलो ट्रैवलिंग कर रही थी। तो ऐसा नहीं लड़कियाँ घूम नहीं सकती या घूमती नहीं है, बहुत सारी लड़कियाँ घूम रही है, लेकिन बस थोड़ा सा मैच करने सुनना पड़ता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, थोड़ा देख सुन के चलना पड़ेगा आपको। बाकी सोलो ट्रैवलिंग देश ही नहीं विदेश में, अपने यहाँ तो फिलहाल इतना नहीं घूमते, लेकिन आप विदेश को देख सकते हो कुछ नहीं, लोअर टी शर्ट पहना बैग उठाए चल दिए। तो अपने यहाँ तो अभी इतना ज़्यादा भी नॉर्मल नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है लड़कियों के लिए भी, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे बाकी कपड़े के पहनावे में या हर चीज़ में वेस्टर्न कल्चर आ गया है, तो इस चीज़ में भी आया है, जैसे वेस्टर्न टाइप घूमते फिरते बहुत है अमरीकन या वेस्टर्न सिटी कंट्रीज़, तो यहाँ पर भी वो आ रहा है। यहाँ पर भी लोग ट्रैवलिंग में देख रहा हूँ काफ़ी, आज से 5 साल पहले मुझे नहीं पता कि कितने ट्रैवलर थे, एक दो थे शायद कोई माउंटेन ट्रैकर जो भी थे तो ट्रैवलर थे, तो अब जो काफ़ी ट्रैवलर नए नए आ रहे हैं, लोग इसको भी करियर के तौर पर देख रहे हैं, करियर के तौर पर नहीं, ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया क्योंकि लोग समझ में आ रहा है कि ट्रैवलिंग से काफ़ी चीज़ें सही होती हैं, ट्रैवलिंग बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है, नॉलेज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं चाहूँगा कि लड़कियों को भी ट्रैवलिंग स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, सेफ है, बिल्कुल सेफ है, बहुत घूमती हैं लड़कियाँ अभी ट्रैवलिंग करती हैं, ऐसा नहीं है घूम फिर नहीं रही है, क्योंकि लड़कियाँ सब घूम रहे हैं, इतना कोई अनसेफ नहीं है। और ये मीडिया और ये जो क्राइम पेट्रोल ये सब आप देखते हैं साउथ इंडिया, इसके हिसाब से अगर आप घूमने निकलेंगे तो बिल्कुल नहीं घूम पाएंगे। इसके साथ आप हर जगह खून हो रहा है, हर जगह चोरी डकैती हो रही है, हर जगह यही सब चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप न्यूज़ में देखते हैं। उससे जब आप बाहर निकलेंगे तो दुनिया बिल्कुल ही अलग है, ऐसा कुछ नहीं। हमें तो इतना टहला घूमा फिरा, मुझे तो कहीं नहीं लगा कि अनसेफ है या कोई दिक्कत हो सकती है घूमने फिरने में, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस थोड़ी सावधानी से चलना, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं मैं कहना चाहूँगी 100% सेफ है, 99% लोग सही होते हैं, 1% जो होता है वही आपको दिक्कत कर सकता है, उससे थोड़ा देख के चलना। जब घूम फिरेंगे तो आपको पता चल जाएगा बातों से ही, लोगों के नेचर से ही कि कौन कैसा आदमी है, सही है कि नहीं, पता चल जाता है। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिथ ऑफ ट्रैवलिंग। मिथ जैसे हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो कोई छींक दिखता है तो ये प्रकार से मिथ है कि ये छींक दिया अगर मर जाओ, या बिल्ली रास्ता काट गई, या ऐसे बहुत सारे सुबह निकले खाली बाल्टी मिल गई, इस सब चीज़ों से बुरा होता है या नहीं पता नहीं, वैसे मिथ ही है ये, कभी कुछ पक्का नहीं है इनसे बुरा होता है। इसे सबसे बड़ा मिथ जो है ट्रैवलिंग में वो है एक्सपेंसेस, खर्चा। हम लोग को ऐसा लगता है कि घूमना फिरना मतलब बहुत ही खर्चे वाला चीज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो घूमने फिरने में आपको क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। एक ट्रांसपोर्टेशन, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, आपका जो नोबिता वाला गेट तो है नहीं, गेट खोला पहुँच गया कहीं और, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया पहला। दूसरा फूड, खाना पीना तो आइए जब नजर आएंगे। तीसरा हो गया एकोमोडेशन, स्टे, यही मेरे 3 खर्चे होते हैं। सबसे बड़ा अगर आपने स्टे किसी तरीके से मैनेज कर लिया तो आप ट्रैवलिंग और सस्ते में कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, लोकल ट्रेनें, लोकल बसेस, इसका इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। जनरल की टिकट लेता हूँ मैं आमतौर पर, या फिर लिफ्ट भी लिया है, आपको लंबी दूरी की भी लिफ्ट मिल सकती है। जिसमें था आगरा मैंने बताया, एक लड़का मिला था आगरा से डायरेक्ट दिल्ली जा रहा था, मुझे छोड़ देता, लेकिन मुझे आगरा से मथुरा जाना था, आगरा में मैंने अभी ताजमहल उसमें देखा नहीं था तो वो चला गया था। तो इस लंबी लंबी दूरी के लिए भी आपको लिफ्ट मिल जाती है। उस लिफ्ट में एक चीज़ ख्याल रखिएगा, जैसे बड़े शहर हैं जो, जिससे मैं चंडीगढ़ गया था वहाँ पर मुझे लिफ्ट दे रहे थे, तो एक लोगों ने बताया भी कि वहाँ पे इतना सख्त सिस्टम है, कैमरे वैमरे लगे थे, तो उनका हेलमेट कहाँ है, तो हमने कहा हेलमेट तो है नहीं, घूमने फिरने आए लिफ्ट के लिए हेलमेट थोड़े से दे देंगे। बताने लगे कि जब तक दोनों लोग रूल है तो वहाँ सख्ती से होता है, अपने यहाँ तो है नहीं सब कुछ, तो जो बड़े शहर है वहाँ थोड़ा सख्ती से इसका किया जाता है, दोनों लोग को हेलमेट लगा रहना चाहिए। तो हेलमेट था नहीं तो किसी ने लिफ्ट भी नहीं दिया। तो लोकल बसेस में बहुत सस्ते में चलती, कभी भी ऑटो ऑटो मत लीजिएगा, बहुत महंगे होते हैं। सबसे बढ़िया बस पे रिलाई करिए, अगर आपको लिफ्ट नहीं मिले ट्राई करिए लिफ्ट लेने का ही, या लिफ्ट लेने काफ़ी लोग लिफ्ट दे देते हैं, 100 में से 1 देगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन एक बोर्ड बना लीजिए सबसे अच्छा,
बोर्ड बना के ऐसे ऐसे या कुछ भी इशारे इशारे कर दीजिए कि मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए इस टाइप से। तो ऐसा नहीं कि लोग लिफ्टर देते देंगे, 100 में से एक देगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और दूसरा अपना टॉपिक है फूड। खाना पीना तो पूरे इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत महंगा है। 40-50 रुपये में भी आपको बहुत आसानी से खाने पीने को हर जगह मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो 100 रुपये, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है खाना पीना। खाना पीना तो आप मैनेज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो ये रोड साइड खाना देते हैं या जो भी सस्ता खाना देते हैं उनका क्वालिटी कम होती है। वही खाना आप होटल में खाएंगे जाके तो महंगा मिलेगा, वही खाना आप बाहर खाएंगे तो वही सेम खाना का आपको सस्ता मिलेगा। बस वो लोग AC नहीं लगाए हैं, बड़ी टेबल में आपको नहीं देंगे, टेबल मतलब बड़ी सजा जा के कोई टेबल नहीं होगी, नॉर्मल टेबल पड़ी होगी, उसमें आपको खाना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। तो खाना पीना अच्छा लगता है। जैसे मैंने दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बाहर एक जगह खाना खाया था, 30-40 रुपये का रोज खाना था, लेकिन उनकी जो खीर थी 10 रुपये की, अच्छी खासी उन्होंने खीर दी थी, अच्छी खीर थी। तो सस्ते में अच्छा खाना मिल जाता है, ऐसा नहीं भाई 10 रुपये खीर में लगता होटल में जाता 50-60 रुपये से कम की ना मिलती। तो सस्ता खाना आपको कहीं पर मिल जाएगा। तीसरा टॉपिक है लोगों का स्टे। ये थोड़ा स्टे के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हॉस्टल होते हैं, गुरुद्वारा है, काफ़ी सारी चीज़ें गुरुद्वारा, तो पता नहीं क्या हो गया गुरुद्वारा कमरे वमरे कम देते हैं बाहरी अब। लेकिन जैसे हॉस्टल है, हॉस्टल आप बहुत सस्ते में रह सकते हैं। हॉस्टल में क्या होता है, हम लोग ग्रुप में रहते हैं, रूम लेंगे, रूम भी आपको सस्ते में मिल जाते हैं, 100-200-300 तक में अच्छे से अच्छे अच्छे रूम मिल जाते हैं आपको। AC इतना ही मिलेगा, हाँ कूलर वाले रूम मिल जाएंगे आपको। तो बहुत सारे ऐसे जैसे हॉस्टल के लिए आप कई सारी साइटें चेक कर सकते हैं, जैसे booking.com है और भी ऐसे बहुत सारी साइटें। मैं नाम से लेना चाहूँगा, लेकिन आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बहुत सारी ऐसी साइटें जहाँ पर आपको बहुत आसानी से बहुत सस्ते में कमरे मिल जाएंगे। तो मेनली यही 3 खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, एकोमोडेशन, रहने की स्टे। ट्रांसपोर्टेशन तो मैंने बता ही दिया, लोकल बसेस ले लीजिए, हम लोग ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए इतना ज़्यादा ज़्यादा हो सके, ट्रेन लोकल ट्रेन से कर सकते हैं आप, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। फूड आपको हर जगह सस्ता मिल ही जाएगा। स्टे के लिए मैंने बता ही दिया, हॉस्टल सबसे अच्छे रहते हैं, या फिर अगर आप लोग 3-4 लोग ग्रुप में मिल गए हैं तो रूम ले लीजिए, 500-600 रुपये पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप सस्ते में घूम सकते हैं। बस रिसर्च कर लीजिए जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे उतनी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी उस जगह की, तो आपको आसानी होगी किसी भी जगह जाएंगे तो। नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस्टेक आई डू बट यू डोंट। गलतियाँ मैंने ट्रेवलिंग स्टार्ट करी थी, तो जो मैंने फर्स्ट ट्रिप करी उसमें मैंने करी थी, मगर मैं चाहता हूँ अगर आप लोग करें ट्रेवलिंग नहीं स्टार्ट तो आप लोग वो गलतियाँ ना करें। सबसे पहले तो माइक लेना मैं भूल गया था, अभी भी मैं माइक नहीं लिया है, लेकिन नेक्स्ट ट्रिप जब भी स्टार्ट करूँगा तो माइक जरूर ले लूँगा, क्योंकि अभी आपने मेरे वीडियो देखे होंगे पुरानी, तो उसमें माइक नहीं लिया हुआ था, आवाज़ बहुत बनबना के आ रही होगी, बहुत शोर शराबा वाली आ रही होगी, लेकिन अब आगे से जब मेरी वीडियो आएंगी तो वो अच्छी क्वालिटी की आएंगी। सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने कि मैंने माइक नहीं लिया। दूसरा, लगेज बहुत भारी ले लिया था मैंने, 4 लोवर, 3 टी शर्टें, 2 शर्टें और पता नहीं क्या क्या उसमें लगे अच्छा बहुत सारी चीज़ें डाल ली थी। तो ये सब ऑफ करके बिल्कुल चाहिए लगेज जितना कम से कम हो, क्योंकि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कई बार आपको लिफ्ट नहीं मिलती है। जैसे मैंने बताया चंडीगढ़ में था, वहाँ पे इतना ज़्यादा सख्त नियम था कि हेलमेट लगाएं दोनों लोग तभी हम लोग देंगे, जाने को देंगे, वहाँ कैमरे लगे रहते हैं हर जगह, तो वो लोग लिफ्ट देते हैं नहीं, नहीं तो कोई चलान कट जाएगा, तो हो सकता है आपको पैदल भी कदमों से चलना पड़े, लंबी लंबी दूरी तय करना पड़े। तो आप लगेज अगर भारी होगी तो आप ज़्यादा चल नहीं पाए। तो मैंने अपना काफ़ी सामान बीच रास्ते में दे भी दिए थे, एक लोग गरीब लोग तो उनको दे दिया था, क्योंकि उस सामान से मैं चला नहीं जा रहा था, काफ़ी सामान हो गया था। आप एक लोअर टी शर्ट जो पहने हो, इसके अलावा एक लोअर टी शर्ट भी अगर ले लेंगे तो उससे भी काम चल सकता है, जैसे एक हाफ लोअर और ले लीजिए। बाकी आपको ज़्यादा कुछ कपड़े लेने की जरूरत नहीं है, जैसे आप 2-3 कपड़े ले लोगे उनको धुलोगे, इस तरीके से 2 जोड़ी होगा उन्हें धुल धुल के पहनते रहो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तय तक सामान लेने की जरूरत नहीं है, जो बहुत ज़रूरी हो ट्रैवलिंग में वही लेके चलिए, क्योंकि ज़्यादा सामान लेके आप थक जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसा होता है बारिश, इसके अलावा माइक
माइक तो ज़रूर ले लेना आप, अगर अगर माइक नहीं लेंगे तो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। वीडियो की जो स्टाइल में जितनी अच्छी बनाएगी लेकिन आवाज़ अच्छी नहीं होगी तो आपको कोई देखेगा नहीं, वो फिर तब मज़ा नहीं आती, आवाज़ सरसराने लगती है मेरी वीडियो में, आपने देखा होगा। तो यही सब गलतियाँ थी। एक और सेल्फी स्टैंड ले लेना, सेल्फी स्टिक लेना, सेल्फी स्टैंड ना लेना, क्योंकि सेल्फी स्टैंड कई जगह अलाउ नहीं है। जैसे आगरा में आप ताजमहल के अंदर सेल्फी स्टैंड नहीं ले जा सकते, सेल्फी स्टिक ले जा सकते हैं। आगरा में आगरा फोर्ट है, वहाँ पर मुझे सेल्फी स्टैंड लेने का नहीं दिया था सेल्फी स्टिक से ही। और भी ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे आप सेल्फी स्टिक तो ले जा सकते हैं लेकिन सेल्फी स्टैंड नहीं, उसमें वो जो रॉड लगी रहती है स्टील की उसकी वजह से मना करते हैं। तो अभी मेरे वीडियो भी आपने देखी होगी आगरा आगरा की, तो उसमें मैंने जितने भी वीडियो सब शूट करी है अपने हाथ से ही करी है फ़ोन से, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास सेल्फी स्टैंड था, सेल्फी स्टिक थी नहीं, तो उन लोगों ने जमा करा लिया था, अंदर लेने जाने दे रहे थे, मेरे पास मजबूरी थी, चाह के भी मुझे उसी से शूट करना पड़ा हाथ से, तो उतनी अच्छी आई नहीं थी। अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा, माइक ले जाएगा और लगेज तो बहुत ही कम ले जाइएगा, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा जब भी आप ट्रेवलिंग कर। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, कैन इंट्रोवर्ट ट्रेवल, क्या इंट्रोवर्ट भी ट्रेवल कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जानते ही होंगे, इंट्रोवर्ट जो लोग लोगों से कम बात करते हैं या किसी घुलने मिलने में थोड़ा आसानी से नहीं घुल मिल पाते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो आसानी से घुल मिल जाते हैं, तो ऐसे मानना है कि ट्रैवलिंग एक्सट्रोवर्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन जो इंट्रोवर्ट है उनके लिए सोलो ट्रैवलिंग क्या कर सकते हैं। तो मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं एक प्रकार से कह सकता हूँ इंट्रोवर्ट हूँ, मैं जल्दी जल्दी किसी से बात ऐसे करता नहीं हूँ, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप ही हूँ। तो इंट्रोवर्ट ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, बल्कि इंट्रोवर्ट को और ट्रैवलिंग करनी चाहिए, उससे वो लोग थोड़ा खुल जाएंगे, बात करना है वो फिर, क्योंकि अगर आप कुछ लोग पर्सनैलिटी होती है पहले किसी से अपने मन से नहीं बात कर सकते, जैसे मेरी भी कुछ कुछ है, लेकिन आप नहीं करेंगे लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो तो आपसे करेंगे, तो आप उनसे बात करेंगे, तो धीरे धीरे जब आप बात करेंगे तो आप धीरे धीरे खुलने लगेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो लोगों से आप बात भी करेंगे, शेयर करेंगे कहाँ से आए, तो पूछेंगे वो लोग बताएंगे अपने कि हम यहाँ से हैं, सही से हैं, जो भी है। तो इंट्रोवर्ट जो है उनको ट्रैवलिंग करनी चाहिए, उनके लिए ज़रूरी है इंट्रोवर्ट के लिए ट्रैवलिंग करना। पहली बार जब आप करेंगे तो थोड़ा आपको जो आपके अंदर थाट्स चल रहे होंगे और तेज हो जाएंगे, क्योंकि अकेले वैसे भी जो इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं उनके दिमाग में बातें और ज़्यादा तेज़ी तेज़ी चलती हैं, तो आपके साथ भी इंट्रोवर्ट हैं तो ट्रेवलिंग करने जाएंगे तो अकेले जाएंगे कहीं तो और तेज़ी तेज़ी से दिमाग में बातें घूमने लगेंगी, लेकिन आप ट्रेवलिंग करने जाएंगे धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर बदलाव आएगा, लोगों से बात करने लगेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रोवर्ट ट्रेवलिंग कर सकते हैं करते भी। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपमेंट यू यूज इन ट्रैवलिंग, क्या क्या इक्विपमेंट है जो आप ट्रैवलिंग में यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था माइक बहुत ज़रूरी है ट्रैवलिंग में, बिना माइक के वीडियो क्वालिटी नहीं अच्छी आएगी। सेल्फी स्टिक, सेल्फी स्टैंड की जगह मैं रिकमेंड करूँगा सेल्फी स्टिक के लिए, अगर आपने सेल्फी स्टैंड का काम है तो सेल्फी स्टैंड ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जगह है आपको सेल्फी उसकी वजह से जो रॉड लगा रही थी उसकी वजह से जाने दीजिए, जैसे आगरा या और भी एक दो जगह होंगे मुझे पता नहीं है, अभी तो मैं आगरा का ही बता सकता हूँ क्योंकि वहीं पर मुझे रोका गया था ताजमहल में या आगरा फोर्ट में। तो सेल्फी स्टिक या सेल्फी स्टैंड जो भी आप लेना चाहे, माइक हो गया, या आप ट्रैवलिंग वीडियो बहुत अच्छे शूट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ड्रोन पे लेके चल सकते हैं, कई ट्रैवलर हैं जो ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन से आपकी वीडियो बहुत अच्छे से आ सकती है। ड्रोन उसके लिए आपको सीखना भी पड़ेगा ड्रोन चलाना, लेकिन आप ले सकते हैं, यही सब इक्विपमेंट है जो आप यूज कर सकते हैं ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं। स्टार्टिंग में तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ड्रोन अगर ना ही ले तो ज़्यादा सही रहेगा, शुरू में आप ज़्यादा झंझट ना पालें, फ़ोन से ही वीडियो शूट करें, ऐसा कुछ होना है कि कैमरा ही लेना पड़ेगा। जब आप वीडियो डालना शुरू करें, जब आपकी वीडियो चलने लगे, तब आप ज़रूर अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ऐसे पैसे खर्च की जरूरत नहीं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आप वीडियो बना रहे हैं सेल्फी स्टिक लेना ही पड़ेगा, 400-500 की मिलेगी सेल्फी स्टिक, माइक 200-300 का ले लीजिए, 600-700 रुपये लगेंगे आपके, स्टार्ट कर दीजिए अपनी जर्नी, फिर जैसे जैसे ट्रैवलिंग वीडियो डालिए चलने लगे आपको दिखाई दे कि हाँ चल रही है,
वीडियो क्वालिटी आपकी धीरे धीरे सुधर रही है, एप्पल वाली वीडियो क्वालिटी सुधर रही है आपकी, आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, तब जाके इन्वेस्टमेंट करिए, ड्रोन लीजिए या जो भी आपको कर सकते हैं, कैमरा ले सकते हैं, DSLR में जो भी आपको लेना चाहे, आगे से फिर बताता हूँ और भी जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा चीज़ अगर आपको पैसा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, पैसा है तो फिर भैया घूमा है लोकल ट्रेन में क्या, फिर अच्छे से ट्रेन में घूमो, एरोप्लेन से घूमो, ये वीडियो बजट ट्रेवलर के ऊपर है कि बजट में आप कैसे घूम सकते हो, उसके लिए बता रहा हूँ कि बजट में घूमने के लिए आप क्या क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं बजट ट्रेवलर के लिए वीडियो, पैसे वालों के लिए बिल्कुल नहीं भैया, हम पैसे वाले तो मैंने पैसे वाले होते तो वीडियो नहीं बनाते, पैसे वाले होते तो फिर आप कहीं घूम सकते हो, कुछ भी लेके घूम सकते हो, लेकिन जिनको ज़्यादा पैसा नहीं है 10-20 हज़ार रुपये और ट्रेवलिंग नहीं स्टार्ट करना चाहते वो कर सकते हैं, अब 2 लाख रुपये उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं, उनके लिए वही वीडियो है नहीं, जो 10-20 हज़ार है वो ड्रोन खरीदेंगे, 20 लाख कैमरा खरीदें कि क्या खरीदें, तो वो भी ये सब चीज़ों के चक्कर ना पड़े, वो भी घूमें घूमें और थोड़ा एक्सपीरियंस अपना नॉलेज बढ़ाए, एक्सपीरियंस बढ़ाए, तब उनको पता चलेगा कि कैसे घूमना है, क्या घूमना है, क्या करना है, क्या नहीं, जब तक आप एक ट्रिप में नहीं जाएंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे, एक ट्रिप में तो आपको जाना ही पड़ेगा, छोटी ट्रिप हो एक, लेकिन जो मैं ट्रिप इस्तेमाल स्टार्ट करने वाला था अपने, तो मुझे सजेस्ट किया था कि तुम्हें देखना ही है कि तुम्हें ट्रैवलिंग तुम्हारी बनी है या नहीं, तो एक शहर चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, चले जाओ, लेकिन उससे आप कुछ सीख नहीं पाओगे, जब आपको ट्रैवलिंग सीखनी है या जानना चाहते हैं ट्रैवलिंग आपके लिए है या नहीं, तो थोड़ी सी लंबी ट्रिप आपको करनी पड़ेगी, 4-5 शहर रुक गई, जैसे मैंने ट्रैवलिंग जब स्टार्ट की थी 5 शहर गया था मैं फर्स्ट ट्रिप में, अभी जब फर्स्ट ट्रिप मैंने अभी करी है 5 शहर गया केवल, 4-5 शहर जाओगे तो आपको ज़्यादा अंदाजा होता है, अपने मन से मैनेज करने लगते हो, जो मैंने बताया था कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो आप सोचो कि एक शहर जाओ पैर लेके एक रात रुके कहीं नहीं रुके उस दिन चले जाए, तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे ना कुछ जान पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्लेसेस यू मस्ट विजिट, कौन सी वो जगह है जब आप ट्रेवलिंग करने जाए तो वहाँ आप जरूर विजिट करें, सबसे पहले जो ज़्यादा फेमस जगह है वहाँ पर इतना ना घूमने की बजाय जो आपके लोकल लोग हैं उनसे आप पूछिए कि कौन सी जगह है जो आप यहाँ घूम सकते हैं, या इंटरनेट पर सर्च करिए जो थोड़े कम फेमस हो लेकिन सुंदर होती हैं, ठीक जगह जान चाहता है टूरिस्ट के लिए, अगर वो अगर अच्छी भी होगी तो वो उतनी अच्छी लगेगी अगर वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, तो जहाँ क्राउड कम हो या फिर फेमस कम हो जगह, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जगह कम फेमस है तो वो अच्छी नहीं होगी, जैसे आप ताजमहल कुछ लोग गए होंगे पता नहीं आपको अच्छा लगा कि नहीं, मुझे ताजमहल कुछ खास अच्छा नहीं लगा, इतना कुछ खास पता नहीं है, ताजमहल से अच्छा तो मुझे आगरा, ताजमहल आगरा मतलब घूमा तो उससे ताजमहल से अच्छा तो मुझे चंडीगढ़ लगा, या इसी जगह जैसे पालगढ़ साइड या हरिद्वार गया था वहाँ अच्छा लगा, तो अपनी अपनी चॉइस भी होती है जिसको जो सही लगे, लेकिन ताजमहल मुझे कुछ खास लगा नहीं, जिसे मैंने बचपन से सुन रखा था कि ताजमहल 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड और पता नहीं क्या क्या, तो ऐसा कुछ खास तो था नहीं कि बहुत ही ज़्यादा जाके बिल्कुल भूल जाओ सब चीज़ें मिसमराइज हो जाओ, ऐसा कुछ तो है नहीं, नॉर्मल है, थोड़ा अच्छा तो बना है, चारों जगह चारों तरफ से जैसा देखने में लगता है, पीछे नदियाँ भी बहती है और इतने सालों से बना हुआ है कि जैसा, तो ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, लेकिन अब लगता है जो स्टैचू टाइप की चीज़ें मुझे कम अच्छी लगती है इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन या फिर मैंने इतना सुन रखा था उसके बारे में कि जैसे आप सुन लेते हो ना कुछ चीज़ के बारे में, ये बहुत अच्छी है, ये है वो है, जब जाते हो तो वहाँ उतना ज़्यादा मिलता है, जैसे ताजमहल का ताजमहल का न्यूज़ में हो हर जगह इतना सुन रखा था, ताजमहल मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना मैंने सोच रखा था उसके बारे में कि ये इतनी अच्छी होगी, तो ठीक था एक्सपीरियंस मेरा, तो इसलिए जो कहना चाहता हूँ जो ज़्यादा फेमस जगह है उनकी जगह जाने से अच्छा जो कम फेमस हो उन जगह पर जाइए आप तो ज़्यादा सही रहेगा, बाकी तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाउ टू फाइंड चीप हॉस्टल्स फूड एकोमोडेशन, तो ये मैंने इस टॉपिक में बता ही दिया था आपको, कौन सा टॉपिक था मिथाप ट्रैवलिंग में एक्सपेंसेस में, लेकिन बताया था जैसे मैंने कि हॉस्टल हॉस्टल के लिए आप booking.com जैसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं ऐप हैं, फूड आपको सस्ता मिल ही जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे सही रहता है, बसेस ट्रेन का इस्तेमाल करें, लिफ्ट ले सकते हैं आप,
लिफ्ट आपको मिल जाएगी, एक शहर से दूसरे शहर की भी लिफ्ट मिल जाती है। बस कोशिश करिए, सर्च कर लीजिए कि कौन सा, अब आप कहीं रोड में खड़े हो वहाँ सोचो कानपुर से लखनऊ या आगरा से दिल्ली जाना है, तो ऐसे आपको लिफ्ट नहीं मिलेगी। कुछ रोडें होती हैं ना कि ये हाईवे यहाँ से ये हाईवे इसी के लिए बनाए, उन हाईवे पर आप खड़े हो जाएंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं। हाईवे में भी आप बीच रोड में खड़े हो तो कोई नहीं रोकेगा, मुड़ान हो जिसे जहाँ से गाड़ियाँ गाड़ियाँ मुड़ती हो वहाँ खड़े होंगे थोड़ा, तो वहाँ आपको थोड़ा रोक भी सकते हैं, गाड़ी पूछ भी सकते हैं। और बीच रोड में तेज़ी भगाएं आप, रोको भैया लिफ्ट दो लिफ्ट दो, तो इसे कोई नहीं रोकता। चलो रोड स्टार्ट हो रही हो, मुड़ान इस टाइप की जगह पर आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो रुक सकते हैं। बोर्ड वोड ले लीजिए, बोर्ड वोड से नॉर्मल आप खड़े हो गए बोर्ड से, होते आदमी थोड़े मन में वो बैठता है बोर्ड वोड लिए थी किस टाइप की है क्या है, बोर्ड वोड लिए होंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा आसानी रहती है कि आपको लिफ्ट दे दें। फूड तो मैंने बताया हर जगह सस्ता मिल ही जाता है, बस एक स्ट्रीट फूड टाइप आप खा सकते हो, तो होटल वोटल खाना चाहते हो थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन स्ट्रीट टाइप फूड खाओगे तो आपको आसानी से काफ़ी कम रुपये में मिल जाएगा। और booking.com मैंने जैसे बताया था हॉस्टल के लिए, और भी वेबसाइट है आप सर्च कर सकते हो, कई सारे वीडियो हैं आप सर्च कर सकते हो जो पर्टिकुलर लोकेशन के लिए कि इस लोकेशन में यहाँ पे कहीं जा रहे हो तो वहाँ क्या सस्ते में रहने खाने को मिल जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। साउथ में भी बहुत सस्ता खाना मिल जाएगा, हर जगह ही सस्ता मिल जाएगा आपको, कुछ वो नहीं है। टॉपिक है अपना बी अवेयर ऑफ फ्रॉड स्कैम, जो स्कैम होते हैं फ्रॉड होते हैं उनसे बच के रहिए, वरना आपकी जर्नी जो अच्छी खासी चल रही हो जो ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं 100% सेफ हो, फ्रॉड होते हैं स्कैम होते हैं। तो इसका बचने का मुझे जो लगा सबसे अच्छा तरीका है वो है रिसर्च, जितना ज़्यादा आप रिसर्च कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर जगह पे कुछ लोग ये हैं जो फ्रॉड करते हैं, जैसे फ्रॉड आप कई प्रकार के हैं, जैसे ऑटो वाले पैसे लूट सकते हैं आपको। जैसे मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में मतलब मैप में सर्च कर रहा हूँ 2 से 3 किलोमीटर मुझे पता है जाना है, यूरो रुपये कितना मांगते हैं 150, 200, 180 लेते, इससे कम 80 रुपये से कम मतलब मुझे मिला ही नहीं था वहाँ, 80 रुपये लेते हैं दिल्ली में। दिल्ली में ऑटो तो लीजिए नहीं, दिल्ली में सबसे अच्छा है दिल्ली अगर आप लोग जा रहे हैं बस ले लीजिए, आप खड़े हो जाएंगे 5 मिनट 5 मिनट 50 बसें आ जाएंगी, इतनी बसें चलती हैं दिल्ली में कुछ करने को नहीं, और बसें चलती हैं बस। वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा बस नंबर होती है, लोकेशन के हिसाब चलते हैं कि ये बस इस जगह जा रही है। इलेक्ट्रिक बसेस भी काफ़ी चलती हैं, वैसे बसेस भी, नॉर्मल बसेस भी वहाँ अच्छी हैं, तो वो बसेस भी आप ले सकते हैं, और बहुत आसानी से वहाँ बसेस मिल जाती है। उस नंबर पता कर लीजिएगा, किसी पूछ लीजिए लोकल से कि कौन सी बस कहाँ जा रही है, कहाँ तक जाएगी, आपको कहाँ जाना है, उस हिसाब से चलिए। 10-20 रुपये में आपको जहाँ जाना है छोड़ देंगे, ऑटो वाले तो लूट लेंगे। फ्रॉड और स्कैम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है भरोसा, किसी पर भरोसा करिए, वैसे कर रहा हूँ ट्रैवलिंग करने जाएँ किसी भरोसा ना करें, किसी बातचीत ना करें, बातचीत करिए भरोसा रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी पर एकदम से भरोसा करना बिल्कुल सही नहीं है। ज़्यादा किसी पर भरोसा बहुत ज़्यादा मत करिए एकदम से, धीरे धीरे जब बातचीत करने लगता है तो खुद ही पता चल जाता है कि ये भरोसे के लायक है या नहीं, भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, पता नहीं नया आदमी आप सब क्या फ्रॉड कर ले, कुछ काम कर ले, तो एकदम से भरोसा भी मत करिए किसी पर, नॉर्मल रहिए, नॉर्मल बातचीत करिए खुद ही। हाउ, अपना नेक्स्ट टॉपिक है हाउ यू टॉक टू अ स्ट्रेंजर्स, एक स्ट्रेंजर जो अनजान आदमी उससे कैसे बात करें, क्योंकि आप कहीं जगह जाएंगे बातचीत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत ही करनी पड़ेगी, जैसे कुछ पूछ रहे होंगे तो जिसकी पर्सनालिटी टॉकेटिव टाइप है, जो इंट्रोवर्ट टाइप नहीं है एक्सट्रोवर्ट है, जो बातचीत कर लेते हैं ना उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, मगर जो लोग थोड़ा साई टाइप के, जो लोग पहली बार जा रहे हैं उनको थोड़ा हिचकिचाहट होगी कैसे बातचीत करें, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि घबराइए नहीं, सब इंसान एक ही तरीके के होते हैं, किसी से आप बातचीत करेंगे ऐसा नहीं है वो आपको जवाब नहीं देंगे, बताएंगे नहीं, बिल्कुल बताएंगे। किसी भी अनजान से ज़्यादा बात मत करिए, जितना भी पूछना होता है तो आप पूछ ही सकते हैं, क्योंकि फ़ोन और ये सब इंटरनेट है, ये एक लेवल तक आपकी मदद कर सकता है, लेकिन जितना अच्छा तरीके से लोकल आपसे जो चीज़ें बता सकता है वो फ़ोन और इंटरनेट नहीं बता सकता, उसमें भी लिमिटेड चीज़ें। और कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, कोई भी चीज़ कहीं जा रहा है, तो मैं क्या कहता हूँ एक ही चीज़ 2-3 लोगों से पूछ लीजिए, एक लोग हो सकता है आपको जुड़ होता है, लेकिन 2-3
लोगों से पूछेंगे सबका सेम आंसर होगा तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सही ही होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बेस्ट NCS सॉन्ग फॉर ट्रेवलिंग। NCS मतलब नॉन कॉपीराइट सॉन्ग, जिनमें कॉपीराइट नहीं आता है वो सॉन्ग, क्योंकि आप ट्रेवलिंग वीडियो में कई जगह या अपने अलावा कोई और जगह पर शूट करेंगे तो वहाँ पे गाने लगाएंगे। तो बेस्ट NCS सॉन्ग कौन है ट्रेवलिंग में जो आप यूज कर सकते हैं, तो ये मैं गा के तो सुनाऊंगा नहीं, इसकी लिंक मैं दे दूंगा नीचे। बेस्ट NCS सॉन्ग जो आप यूज कर सकते हैं अपनी किसी भी वीडियो में, जरूरत नहीं ट्रेवलिंग पे ही, लेकिन मेनली ट्रेवलिंग के लिए मैं ज़्यादा डालूंगा। ट्रेवलिंग वीडियो के लिए बेस्ट NCS सॉन्ग जो भी होंगे वो मैं नीचे भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अच्छा टॉपिक, डिड यू नीड DSLR फॉर ट्रेवलिंग? क्या ट्रेवलिंग के लिए DSLR कैमरा बहुत ज़रूरी है? इसके बिना आप ट्रेवलिंग ही नहीं कर सकते या इतने अच्छे से वीडियो आपने शूट कर पाएंगे? तो शुरू में तो मैं कहता हूँ DSLR की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप थोड़ा वीडियो चलने लगे या आपको लगने लगे कि वीडियो आप अच्छे शूट करना जान गए, शुरू में तो मैं कहूँगा कि आप अपने फ़ोन से वीडियो शूट करें, शुरू में DSLR की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, फ़ोन की क्वालिटी कैमरा को लेंगे DSLR की जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा, लेकिन फ़ोन से भी आप ठीक ठाक अगर जानते हैं वीडियो शूट करना तो ठीक ठाक वीडियो शूट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। DSLR कैमरा तब लीजिए जब आप वीडियो चलने लगे, पैसे आने लगे, तब तो ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि DSLR कैमरा ज़रूरी है, आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, जैसा आपको बजट है उस हिसाब से। तो फ़ोन से ही वीडियो शूट कर सकते हैं शुरू में, ये मेरा सजेशन रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, इट इज़ नेसेसरी टू अपलोड वीडियो 1080p या 1440p, मतलब जितने भी हाई क्वालिटी हो, 1080p के नीचे क्या आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते ट्रैवलिंग? क्योंकि ट्रैवलिंग में आप ज़्यादा कम अच्छी वीडियो अपलोड करेंगे तो फिर वो अच्छा लगेगा, जो आपने शूट करी हुई जगह अगर वो हाई क्वालिटी में होगी तो उतनी अच्छे लगेगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप 1080p में ही वीडियो डालें। मैंने अभी स्टार्ट वीडियो डाले तो एक दो वीडियो 1080p की होगी, दो तीन वीडियो ज़्यादातर मैं 720p क्वालिटी में वीडियो डालता हूँ। 720 में भी आपको अच्छी खासी क्वालिटी मिल जाती है, ज़रूरी नहीं कि आप 1080p में ही वीडियो अपलोड करें, 720p में भी कर सकते हैं। तो यह हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, कैन एनिमल ट्रेवल विथ ओनली कैंपिंग टेंट एंड स्लीपिंग बैग? क्या कोई केवल कैंपिंग टेंट और स्लीपिंग बैग से ही पूरा भारत घूम सकता है? तो आंसर है हाँ, घूम तो सकता है अगर कोई चाहे तो, कि भाई वो रूम नहीं लेना चाहता है, ज़्यादा खर्चा नहीं पालना चाहता है, बस खाने का खर्चा रहेगा, बाकी वो अपना लिफ्ट लेता रहेगा, स्लीपिंग बैग ले लेगा, एक बार की इन्वेस्टमेंट रहेगी, स्लीपिंग बैग ले लेगा, कैंपिंग टेंट ले लेगा, जहाँ उसको रुकना होगा स्लीपिंग टेंट में रुकेगा और कैंपिंग टेंट लगा देगा, उसमें रुकेगा, स्लीपिंग बैग रहेगा उसको सोने उड़ने के लिए। एक बार 5-10 हज़ार इन्वेस्टमेंट लगेगी, 5-10 हज़ार में 5,000 रुपये मान लीजिए लगेगी, सब चीज़ उसने एक बार में ले ली, पूरा भारत वो आराम से घूम सकता है, क्योंकि उससे उसका रूम का खर्चा बच जाएगा। क्या रूम लोग चलो महंगा है, उससे सस्ता हॉस्टल लोग, हॉस्टल में थोड़ा सब काफ़ी लोग रहते हैं, अनसेफ वैसे इतना तो रहता नहीं अनसेफ, लेकिन फिर भी रूम तो ज़्यादा सेफ रहता है। कैंपिंग टेंट है आपका, वो भी काफ़ी हद तक सेफ रहता है, इतना ज़्यादा सेफ नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अगर आप लगाएं तो रोड में तो लगाएंगे नहीं थोड़ा, लेकिन स्लीपिंग टेंट और कैंपिंग बैग में आप जो बड़े शहर हैं वहाँ आपको जगह नहीं मिलेगी, वहाँ तो आप नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे साउथ इंडिया गए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया गए, पहाड़ी इलाकों में गए, हिमाचल प्रदेश वगैरह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो वहाँ के लिए आप जा रहे हैं तो कैंपिंग टेंट लेके जाएंगे, तो कैंपिंग जितना आप रूम में रहेंगे उतना अच्छा नहीं लगेगा, जितना आपको कैंपिंग टेंट लेके रहेंगे उसमें अच्छा लगेगा। तो आप कैंपिंग टेंट ले सकते हैं, लोग देख लीजिए आपका टूर कहाँ का है उसी हिसाब से देख लीजिए। अगर आप थोड़ा वैसे ही एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ कम है, थोड़ा पहाड़ी टाइप इलाका है, समुद्री इलाका है, पेड़ पौधे ज़्यादा है, तो वहाँ कैंपिंग टेंट लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बड़े शहरों में जा रहे हैं, चंडीगढ़ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो आपको जगह नहीं मिलेगी, मुंबई जाएंगे, सूरत जाएंगे, पुणे, कहीं पर भी बड़े शहर चले जाएंगे वहाँ पर आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी कैंपिंग टेंट लगाने की। तो थोड़ा देख लीजिए आपको प्लान कहाँ 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 आप घूमने जा रहे हैं, उसी हिसाब से अपना एडजस्टमेंट कर लीजिए।
तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मूवीज़ और वेब सीरीज दैट कैन हेल्प यू इन ट्रैवलिंग। मूवीज़ या वेब सीरीज़, कुछ मूवीज़ हैं जो ट्रैवलिंग के ऊपर बनाई गई हैं, वो आप देख सकते हैं अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। तो कुछ मूवीज़ आपने देखी भी होंगी, उन्हें पूरी तरीके से ट्रैवलिंग ही तो नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उन मूवीज़ का। जैसे आपने देखी होगी दिल चाहता है, आमिर खान की मूवी है वो हो गई, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपने से बहुत लोगों ने देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रैवलिंग के ऊपर ही है। ऋतिक रोशन है उसमें, कैटरीना कैफ है और भी काफ़ी दो तीन एक्टर हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो उसमें वो लोग अपनी लाइफ से बोर रहते हैं तो ट्रैवलिंग पे ही तो जाते हैं, ट्रैवलिंग पे जाते हैं और ट्रैवलिंग उनकी लाइफ बदल देती है। कैटरीना कैफ होती हैं वो ऐसे उनका तो काम होता है सिखाती हैं और ट्रैवलिंग मेनली है उनका। बाकी ऋतिक रोशन होते हैं ये सब तो जॉब कर रहे होते हैं, उनके दोस्त होते हैं फरहान अख्तर होते हैं। तो ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रैवलिंग के ऊपर बनाई गई है, ये ज़रूर आप देखिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है। उसमें दिखाते हैं कैसे ट्रैवलिंग, मेन ट्रैवलिंग के ऊपर ही है, टमाटो वाली होती है और बाकी चीज़ें होती हैं। तो एक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हो गई वो आप देख सकते हैं। एक नई मूवी जो आप लोगों ने बहुत कम सुनी होगी लेकिन ट्रैवलिंग के ऊपर है, इट हैपेंड इन हांगकॉन्ग। ये मूवी कुछ इस प्रकार है, ये नए एक्टर है इसमें, इट हैपेंड इन हांगकॉन्ग में होता है, एक लड़का एक लड़की जो सोलो ट्रैवलर होते हैं वो ऐसे ही दुनिया घूम रहे होते हैं, तो हांगकॉन्ग में जाके मिलते हैं, वहाँ से उनकी लव स्टोरी वगैरह स्टार्ट होती है। तो ये मूवी भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं है लेकिन जो लोग ट्रैवलिंग की मूवीज़ देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ट्रैवलिंग से क्या कैसे क्या होता है, ये मूवी देख सकते हैं। एक मूवी और आई थी रणबीर कपूर की और दीपिका पादुकोण की, तमाशा देखी होगी आप लोगों ने, उसमें भी ट्रैवलिंग का काफ़ी चीज़ है। जो ट्रैवलिंग लोग दोनों अनजान होते हैं, जो दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर हैं दोनों ट्रैवलिंग ही कर रहे होते हैं, फिर जाके मिलते हैं। तमाशा मूवी हो गई, इसका देखा और फाइंडिंग फैनी, ये मूवी भी शायद आपने देखी होगी दीपिका पादुकोण की, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये मूवी भी आप देख सकते हैं फाइंडिंग फैनी, उसमें ट्रैवलिंग का दिखाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट मूवी है पीकू, बहुत ही अच्छी मूवी है ये, इसमें अमिताभ बच्चन भी थे शायद, दीपिका पादुकोण थी और हमारे एक्टर लेट एक्टर जो ख़त्म हो गए इरफान वो भी थे। तो ये मूवी भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है। इसका एक मूवी जिससे कंगना रनौत का करियर ही बदल गया, क्वीन, ये भी ट्रैवलिंग के ऊपर ही थी। वो बिल्कुल अनजान लड़की होती हैं, कुछ ज़्यादा जानती नहीं हैं, फॉरेन विदेश जाती हैं घूमने फिरने और अपना काम भी जैसे भी आती हैं, वहाँ से उनकी लाइफ बदल जाती है, उनकी करियर की भी बहुत ही टर्निंग पॉइंट वाली मूवी थी। ये मूवी भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी थी। इसके बाद एक वेब सीरीज़ है जो आप देख सकते हैं, द ट्रिप, इसके दो सीज़न है, सीज़न वन सीज़न टू दोनों आप देख सकते हैं, दोनों ट्रैवलिंग के ऊपर। इसमें मेनली चार लड़कियों की कहानी बताई गई है कि कैसे चार लड़कियाँ थाईलैंड जाती हैं, थाईलैंड बहुत लोगों का सपना रही है घूमने का, काफ़ी अच्छा देश भी है। तो कैसे ये चार लड़कियाँ थाईलैंड जाती हैं, वहाँ से इन लोग का जो लाइफ है वो भी चेंज रहती है, लाइफ में इनकी नई नई चीज़ें होने लगती हैं। तो ये द ट्रिप वेब सीरीज़ है शायद, जहाँ तक हाँ वेब सीरीज़ है, कोई मूवी नहीं है, बाकी सारी जो थी वो मूवीज़ थी। ये वेब सीरीज़ भी आप देख सकते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ हैं जो ट्रैवलिंग ऊपर बनाई गई है। पहले ट्रैवलिंग के ऊपर इतनी मूवी या वेब सीरीज नहीं बनती थी, लेकिन कुछ सालों में देखा गया कि ट्रैवलिंग को भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह मिलने लगी है। फॉरेन में तो बहुत दिनों से ही ट्रैवलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जाता है, लोग जानते हैं ट्रैवलिंग की अहमियत, लेकिन अपने यहाँ हो गया या जो इतने डेवलप्ड देश नहीं है वहाँ पर भी ट्रैवलिंग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोग जो अच्छे लेकिन नए लोग हैं वो ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा करने लगे हैं, समझ रहे हैं। जैसे जैसे अपना भी देश डेवलप होता जाएगा तो ट्रैवलिंग को बढ़ावा काफ़ी मिलेगा। तो मूवीज़ भी अब जो मूवीज़ होती हैं वो भी समाज से ही बनती हैं, समाज में ट्रैवलिंग बढ़ रही है तो ट्रैवलिंग मूवीज़ भी आ रही हैं। और मूवीज़ थी थ्री इडियट्स थी, उसमें पूरी तरीके से ट्रैवलिंग को तो नहीं फोकस है, उसका तो कुछ और ही था सिस्टम, लेकिन थ्री इडियट्स भी आप देख सकते हैं, उसमें भी ये आमिर खान को जो मनसुख मांगड़ू जो भी होता है उसको लद्दाख जाते हैं ढूंढते ढूंढते, एक्ट्रेस होती हुई जाती है देखने की वो क्या कर रहा है आज, तो लद्दाख के ट्रिप में जाते हैं, ये मूवी भी देख सकते हैं। तो ये है, आप मूवीज़ और वेब सीरीज़ काफ़ी सारी देख सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वाज माय फर्स्ट ट्रिप,
वेयर आई ट्रेवल्ड इन माई फर्स्ट ट्रिप, विच सिटीज, विच स्टेट, विच टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी आई ट्रेवल। तो पहले ट्रिप में तो मैं मेनली उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये दो स्टेट थोड़े बहुत कवर किए। इसके अलावा दो यूनियन टेरिटरी दिल्ली और चंडीगढ़ ये घूमा। टोटल 5 शहर में घूमा था। सबसे पहले मैं गया था आगरा, इसके बाद मथुरा, फिर दिल्ली, फिर हरिद्वार, फिर गया था चंडीगढ़। ये 5 शहर में घूमा था अपने पहले ट्रिप में। जैसे समझ लीजिए आगरा मथुरा ठीक ठाक थे, ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। दिल्ली जब मैं गया तब मुझे लगा कि हाँ भाई, इस्पेशली जब नई दिल्ली में जाएंगे तब, पुरानी दिल्ली तो काइंड ऑफ ज़्यादा भी डेवलप नहीं है। जैसा टी वी में दिखाते हैं पूरा दिल्ली डेवलप हो गया, ऐसा तो नहीं है। पुरानी दिल्ली में अभी भी आपको उलझे हुए तार और छोटी छोटी गलियाँ और पुरानी दिल्ली आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना पॉल्यूशन है वहाँ पर। पुरानी दिल्ली में केवल चांदनी चौक है जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो वहाँ पर वही गले कलर हमने वो तो अच्छा बन गया। वहाँ तार अभी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उससे जैसे ही आप इधर आएंगे पुरानी दिल्ली में बस्ती साइड, तो आपको समझ जाएंगे कि पुरानी दिल्ली वैसा ही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ उसमें। नई दिल्ली के रूट वहाँ पर साइकिल ट्रैक बन गए और रोड अच्छे हो गए, बसों की सुविधा बहुत अच्छी है। बहुत पहले से भी मुझे जानकारी नहीं, या अभी मैं गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें करी गई हैं वहाँ पर, जैसे साइकिल वाइकिल नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। आप किराए में साइकिल ले सकते हैं, जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। मेट्रो पहले से ही थी और बन गई है वहाँ पर, काफ़ी लाइन्स पर फैली हुई है मेट्रो दिल्ली में, रेड लाइन, ब्लू लाइन में, और काफ़ी सारी लाइन पर फैली हुई है। शायद कि आपने यहाँ की भारत की तो सबसे बड़ी मेट्रो आई है, दुनिया में भी शायद चौथी सबसे बड़ी मेट्रो दिल्ली मेट्रो मानी जाती है। ऐसा भी और बन रही है दिल्ली मेट्रो, ड्राइवरलेस मेट्रो भी है वहाँ पे। अगर वहाँ मेट्रो आती है उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, वो लेके चली जाती है, तो ऐसा भी है। और बाकी शहरों से मेट्रो से अलग अंडरग्राउंड है पहली बात तो। और बाकी जैसे मैं लखनऊ गया था, वहाँ की मेट्रो में काफ़ी अंतर है, सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। बाकी मेट्रो जैसे ट्रेनें होती हैं उसी टाइप से मेट्रो आती है बाकी शहर में। वहाँ पर तो गेटेड भी लगे हुए हैं दिल्ली मेट्रो बताइए कोई घुसना का, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ है दिल्ली मेट्रो में, इतनी भीड़ मुझे कहीं नहीं मिली, बहुत भीड़ है भाई दिल्ली मेट्रो में, मतलब खाली नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसे लगे कि थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ शहर में तो भीड़ कम हो जाए, कम नहीं होगी, भीड़ बढ़ती रहेगी, आते ही रहते हैं लोग, इतना आदमी जाता है दिल्ली में लगता है। भारत का आधा आदमी दिल्ली चला जाता है, आधा आदमी मेट्रो चला जाता है। तो बहुत बड़ी मेट्रो है दिल्ली मेट्रो, अच्छी मेट्रो है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है और बनती जा रही है दिल्ली मेट्रो, इसीलिए इतनी बड़ी बन भी गई, क्योंकि वहाँ इतने ज़्यादा लोग ट्रेवल करते हैं दिल्ली मेट्रो में। दिल्ली के अलावा पहले मैं आगरा गया था, आगरा में सबसे पहले आगरा फोर्ट गया, वहाँ तो मैं अंदर गया ही नहीं क्योंकि वहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही थी टिकट इशू में। गवर्नमेंट को जितनी भी ये जगह हैं जहाँ घूमने वाली, वहाँ का वेबसाइट जो है बिल्कुल वेल मेंटेन रखना चाहिए, वेबसाइट बिल्कुल अच्छी तरीके से काम ही नहीं करती है वहाँ पर, नहीं हमारे मन लगा है जेकर जो भी लगा जिसकी वजह से नेट नहीं काम करता हो, नेट भी अच्छे से काम नहीं करता है। तो वहाँ पे के सामने बैठे रहते हैं वही लोग 20-20 रुपये 30 रुपये ज़्यादा लेते हैं टिकट लेने उन्हें से लोग, तो ले ही नहीं टिकट वहाँ से। जब ताजमहल गया वहाँ पे 45 रुपये की टिकट थी या जितनी की भी होती है, वहाँ 50 रुपये पड़ी थी वहाँ पे, वहाँ टिकट में पूरा लेना पड़ा। आगरा फोर्ट भी नहीं घूमे थे वहाँ आए, ताजमहल भी ना घूमो आगरा गए तो क्या फ़ायदा। तो अंदर की टिकट तो मैंने ली नहीं, आप लोग भी अभी ज़्यादा लीजिए नहीं, कोविड वोविड की वजह से वहाँ भी ज़्यादा अंदर अभी खोला वोला नहीं गया इतना नॉर्मल, बस अंदर 200 रुपये की लगती है और 45-50 रुपये की 200 रुपये क्यों खर्च करना। आपको आप जब तक तो दिखाई देते हैं ताजमहल तक तो दिखाई देंगे नीचे दीवार, बस 200 रुपये में आप सीढ़ी चढ़ के ताजमहल के ऊपर वाली दीवार देख लोगे, 200 रुपये लग जाएंगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे आपके। 50 रुपये की टिकट लो उसमें आपको अच्छा खासा पूरा ताजमहल देखने को मिल जाता है, 200 रुपये की टिकट तो आप पैसे लेके बर्बाद करो, क्योंकि अगर आपको डीप हिस्ट्री में जाना है देखना है हर चीज़ तो भले चले जाओ, लेकिन वहाँ पर कुछ आया नहीं सब ऐसे खाली पड़ा है, वहाँ जो गए थे वो तो पैसे बर्बाद हो गए भैया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने अच्छा हमने नहीं लिया, कोई फ़ायदा है नहीं। और आगरा में सेल्फी स्टैंड लेके मत जाना, जैसे मैंने बताया सेल्फी स्टिक ले लेना, वो अलाउ है, वो तो काफ़ी लोग ले गए थे अंदर वीडियो बना रहे थे, हमने तो फ़ोन से बनाई थी वीडियो, ज़्यादा अच्छी बना भी नहीं पाए थे, फ़ोन से कितने अच्छे बना लोगे, नॉर्मल बनाई थी। इसके अलावा आगरा के बाद मैं मथुरा गया, मथुरा में मेरा वृंदावन जाने का प्लान था, मथुरा से वृंदावन अब जा रहे हैं तो ऑटो टनल सबसे बढ़िया वहाँ
गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक बस चलाई गई है, मथुरा से वृंदावन 10-12 किलोमीटर है। शहर दोनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं है जिनको को लगता है, अलग अलग शहर हैं। लेकिन मथुरा जो शहर टाइप का, भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, तो मथुरा में जाके आप वृंदावन जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मथुरा जाइए, एक दिन रुकिए, ज़्यादा दिन वहाँ रुकिए, या हफ्ते भर का प्लान है आपको, 10 दिन मुश्किल हो जाता है रुकना, होते रुक जाता तो वृंदावन जाइए, वहाँ पर आपको अच्छे सस्ते में आश्रम मिल जाएंगे। मथुरा में तो लूट है बिल्कुल, क्या बताएं, मथुरा इतना अच्छा नहीं है घूमने के लिए। वृंदावन जाइए, वो ज़्यादा सही है, वृंदावन में कुछ जगह मिल जाएगी, आश्रम मिल जाएंगे, वहाँ आश्रम मंदिर जाता है वृंदावन में, ठहरना है आपको, रुकना है वहीं चले जाइए। सबसे बढ़िया ऑटो ऑटो लेने से अच्छा, क्योंकि जिन लोग पता नहीं होता, ऑटो ऑटो भी मैं देख रहा था, 150-150 रुपये में बुक कर ले रहे थे, 10-12 किलोमीटर हो जाता था, 150-200-300 एक आदमी को ले रहे थे। तो इससे अच्छा इलेक्ट्रिक बस ले लीजिए, 10-20 रुपये लगते हैं किराया वहाँ पर, बढ़िया एसी इलेक्ट्रिक बस में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आगरा के बाद मथुरा, दिल्ली, इसके बाद मैं गया था हरिद्वार। हरिद्वार में मुझे वो व्यक्ति मिले थे, काफ़ी ठीक ठाक हैं, फेमस आदमी है, यूट्यूब में भी उनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं। उनका नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि उन्होंने मना किया था, मतलब वो आम आदमी पार्टी से नहीं है, अन्ना हजारे जब आंदोलन हुआ था तो उनमें से वो एक थे, ठीक ठाक आदमी है, वो न्यूज़ रिपोर्टर थे काफ़ी दिनों तक, रिपोर्टर नहीं, मतलब खुद का न्यूज़ चैनल खोल रखा था उन लोगों ने यूट्यूब में, उन्होंने मिलियन में उनके सब्सक्राइबर भी 2-3। तो उसके बाद उन्होंने छोड़ ओड़ दिया, कुछ दिक्कत होगी उनकी जो भी, अभी वो फिलहाल वो दिल्ली से हरिद्वार में उनके साथ गया था। पहले तो मुझे पता नहीं था वो कौन, जो हरिद्वार गया था उन्होंने बताया ऐसा ऐसे हैं हम, तो पहचान नहीं पाया, बाद में जब वीडियो देखा यूट्यूब में तब जान पाए कि ये वो है। कि हरिद्वार तो काफ़ी सही बना हुआ है, हरिद्वार में भी बहुत भीड़ थी, एक तरह लॉकडाउन खुला है इसकी वजह से ही है, या जिसकी वजह से भी हो, भीड़ बहुत है हर जगह इसमें, हरिद्वार में काफ़ी भीड़ थी। लेकिन दिल्ली में जैसे चांदनी चौक का जो एरिया है, वहाँ पर व्हीकल्स बिल्कुल बंद कर दिए हैं, मतलब व्हीकल्स अलाउड ही नहीं है। इसी तरीके से हरिद्वार या इसे जितने भी जगह हैं जो घूमने वाली, वहाँ व्हीकल्स उतनी एरिया में तो कम से कम बंद कर देने चाहिए, क्योंकि व्हीकल्स वहाँ पर तटों तक गाड़ी ले जा रहे थे, इतना पे पे करते हैं जो वहाँ लोग, उनको डिस्टर्बेंस होता है, कोई फैमिली के साथ है कुछ, लोग पढ़ लड़के चले जाते हैं वहाँ पे, तो लोग फिर तो करेंगे वहाँ पर, तो ये सब मतलब पे गाड़ी ही घुसे जा रहे हैं गाड़ी में, फिर शोर शराबा कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं मतलब, तो व्हीकल्स तो वहाँ पर बंद कर देना चाहिए। व्हीकल व्हीकल आए, गंदगी है, गंदगी है, मुझे हर जगह देखने को मिली, साफ़ सफाई थोड़ी कम थी। ये एक दो चीज़ें अगर अच्छी हो जाए तो जगह और अच्छी लगने लगती है, अगर ये सब रहती है तो अच्छी जगह भी ख़राब लगने लगती है। अब सोचिए आ रही तो इतनी अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ पर गंदगी ही थी, सफाई वफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं कुछ खास, गाड़ियाँ जहाँ जहाँ देखकर तट तक, जब पानी तट होता है वहाँ तक ले चले जा रहे हैं बाइक, वहाँ पे पे कर रहे हैं। तो सरकार ने बहुत अच्छा करा है, पुल भी बनवाए हैं, लेकिन ये सब थोड़ा बंद कर देना चाहिए, गाड़ी वहाँ पर उतनी एरिया में तट के आसपास बंद कर देना चाहिए, गाड़ी नहीं ले जा सकते वो लोग। और साफ सफाई के रोज़ व्यवस्था करना चाहिए, कि साफ़ सफाई रोज़ होनी चाहिए, क्योंकि इतना आदमी आता है, और जो लोग यहाँ से जाते भी उनको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि आप जा रहे हैं वहाँ पर गंदगी गंदगी ना फैलाए। बाकी हरिद्वार काफ़ी, इतनी गर्मी भी वहाँ गए थे लेकिन वहाँ गर्मी नहीं लग रही थी, तट पे आप बैठ जाएँ तो हवा इतनी ठंडी आती, इतना अच्छा लगता है, पानी बिल्कुल ठंडा। और हरिद्वार आप जाएंगे तो एक बात ख्याल रखा, अगर अकेले जा रहे हैं तो आपको रूम नहीं मिलेगा, तो आपको किसी घर वाले से बात करानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ अकेले लोग, कई लोग गए हैं तो कुछ हादसा से भी हो गया, अकेले जाके वहाँ लड़ वड़ के फंस कैसे लगा लिया, जो भी कर लिया, तो अकेले रूम में नहीं देते, बिल्कुल मना है। 2-3 लोग जा रहे हैं तब तक दे देंगे, अकेले में थोड़ा पता तक करके जाइएगा कैसे अकेले मिलना है, मुश्किल होती है थोड़ा, अच्छा नहीं मिल नहीं जाएगा, मिल जाएगा लेकिन थोड़ा, हम तो 4-5 जगह गए, तब 4 लोग उन्होंने गए, 5वें छठवीं जगह गए थे, वहाँ उन्होंने मान लिया था कि हाँ ठीक है भैया, दे दे रहे रूम, पापा से बात कराई तब फिर दिया था, तो घर वाले से किसी से बात करा दीजिएगा आप। और बाकी वहाँ गर्मी नहीं लग रही थी मुझे हरिद्वार में, जैसे यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, हरिद्वार साइड से आप जाएँगे, चंडीगढ़ साइड जाएँगे, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी आपको। और बाकी था चंडीगढ़, आ गए थे जब लास्ट ट्रिप मेरी चंडीगढ़ थी, चंडीगढ़ तो इसे सुना था उससे भी अच्छा शहर निकला, कहीं गंदगी नहीं, 90-95% शहर बिल्कुल साफ, रोडें बिल्कुल साफ़ सुथरी, बिल्कुल वहाँ कोई कचरा उचरा नहीं था, पूरा डेवलप, रोडें टूटी मतलब मुश्किल से, चंडीगढ़ से मान लो
10-15 किलोमीटर फैला होगा, तो 1-1.5 किलोमीटर ऐसा एरिया था जहाँ पर ज़्यादा घर वगैरह बने थे या ज़्यादा वैसा उतना डेवलप नहीं था। बाकी पूरा चंडीगढ़ जितना मैं घूमा पूरा डेवलप था। लांटे मॉल गया, वहाँ सबसे बड़ा मॉल है चंडीगढ़ का, भारत के सबसे बड़े मॉल में, अच्छा था। वहाँ आप जाएँ तो वो मार्केट जरूर जाएँ, सेक्टर 17 की वहाँ म्यूचुअल फाउंटेन शो होता है, अच्छी मार्केट थी। और भी आप कोई और जगह थी मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पर भी एक दो लोगों ने कहा था, जो बिहार यार के लोग मिले थे कि वहाँ जरूर जाना, पर टाइम नहीं था तो वहाँ नहीं गए। ये 2-3 जगह आप जरूर जाइएगा। चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर लगा मुझे, पूरा मेंटेन शहर है, मैनेजमेंट बिल्कुल बढ़िया है, पुलिस पुलिस वाले हैं, हर किलोमीटर में तुम्हें पुलिस चौकी मिल जाएगी, थाना मिल जाएगा। थाना भी चौकी इसी नहीं कि अंदर साइड कहीं पर नहीं, रोड में सब पुलिस वाले वहाँ खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, हर जगह हेडलाइट बनी है, बिल्कुल सुविधा है, सख्त सिस्टम है वहाँ पर। और बाइकों से ज़्यादा वहाँ हमने कार देखी, पैसे वाले लोग जाते हैं वहाँ पर। और लिफ्ट इसीलिए वहाँ दे भी नहीं रहे थे क्योंकि ज़्यादा सब वो लगी थी, कैमरे वैमरे लगे थे, तो वहाँ पे दो लोग जो भी मतलब बैठे हैं सबको हेलमेट लगाना ज़रूरी है। हेलमेट तो हम लिए नहीं थे, तो मेरे तो लिफ्ट विफ्ट भी नहीं मिली, कहे तो भैया लिफ्ट दे देंगे, वहाँ चलान कट जाएगा, सब घर आ जाएगा तुरंत, ऑनलाइन हर जगह कैमरे लगे हैं वहाँ पर, ऐसा सिस्टम आया नहीं कि बिना हेलमेट के चले जाओ, किसी को लिफ्ट दे दो, 3 लोग नहीं बैठ सकते, बिल्कुल सख्त सिस्टम है वहाँ पर। और अच्छा था, बातचीत भी वहाँ सबकी अच्छी थी। चंडीगढ़ में आपको आधे पंजाबी तो मिल ही जाएंगे, हरियाणवी मिल जाएंगे, हर जगह के लोग मिल जाएंगे, पंजाबी थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हर जगह के लोग चंडीगढ़ में मिल जाएंगे, अच्छे लोग हैं, सब पढ़े लिखे, बातचीत सब सही। दिल्ली से ज़्यादा डेवलप लगा मुझे वो शहर, कुछ जगह दिल्ली के डेवलप है लेकिन कुछ जगह नहीं डेवलप्ड है। चंडीगढ़ है वो ऐसा नहीं कि एक जगह बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, दूसरी जगह बहुत कम, हर जगह ठीक ठाक डेवलप्ड है, रोड वोड हर जगह बनी है, ठीक शहर है चंडीगढ़, शांत शहर है, टेम्परेचर बहुत सही है वहाँ, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडी बिल्कुल सही सब टेम्परेचर है वहाँ पे। थोड़ा महंगा जरूर है चंडीगढ़, बाकी शहरों से जितनी जगह गए थे चंडीगढ़ थोड़ा महंगा था, खाना भी वहाँ थोड़ा महंगा था हल्का सा, स्ट्रीट फूड भी वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लिमिटेड जगह है वहाँ, परमिशन लेके लोग जो भी है स्टॉल लगाए, ये पूछा भी था अगर तो पूरा चंडीगढ़ घूमा उसके लिए 10-15 जगह होंगी जहाँ स्ट्रीट फूड लगे होंगे, वो भी परमिशन लेके लगे हैं, ऐसा नहीं कि रोड कब्जा कर लिए। दिल्ली में तो देखा था जो साइकिल वालों के लिए है, जो भी बना हुआ था पैदल वालों के लिए, तो उनको कब्जा ही करके रखा है, कुछ जगह नहीं कब्जा, कुछ जगह कब्जा, चंडीगढ़ में कहीं कुछ कब्जा नहीं है, जो बना है साइकिल ट्रक वालों के लिए पैदल वालों के लिए वो बना है, वहाँ कुछ कब्जा नहीं है, वो उनके लिए है। जो बड़े ऑफिस है जहाँ ज़्यादा जगह है वहाँ पर ज़रूर स्टॉल स्टॉल लगा सकते हो, परमिशन लेके। बाकी मैं पीछे हम बता रहे थे मार्केट है वहाँ पर, अब दुकान लो किराए पे, वहाँ आप लगाना चार्ज लगा सकते हो, जो भी करना दुकान ले लो वहाँ। मार्केटों में आदमी जाता भी है सामान लेना, इसे कहीं लेता भी नहीं है, बड़ी मार्केट है जहाँ पे वहाँ दुकान नहीं, वहीं आता शाम को अपना शॉपिंग वॉपिंग करा चले गए, इस टाइप का सिस्टम है। तो यही था ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस, ठीक ठाक एक्सपीरियंस था, अच्छा था। अभी और दूसरी ट्रिप मेरी स्टार्ट होने वाली, जैसे स्टार्ट होगी तो आपको अपडेट तो रहेगा ही, जो भी मैं कहाँ जाऊँ या कहाँ नहीं हूँ अगर आपको जानना तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, सेम नेम से जो यूट्यूब का अनस्पोर्ट डिस्टेंस इसी नाम से इंस्टाग्राम में भी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं इस समय मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका लास्ट टॉपिक है माय नेक्स्ट ट्रिप, कि मेरी जो नेक्स्ट ट्रिप है वो कौन सी है। पहले जो मेरी नेक्स्ट ट्रिप थी वो थी नॉर्थ ईस्ट साइड, नेपाल भूटान जाने का मेरा प्लान था, सिक्किम जाने का था, पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करने का था। लेकिन इस समय अभी जो न्यूज़ आप देख रहे होंगे या नहीं देखा होगा तो अब देखिएगा कि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, बाढ़ आने की संभावना है कई जगह तो आ भी गई है मौसम में, तो अभी मेरे वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और भी मेरे कई लोगों से बात हुई वहाँ के, एक दो लोग मेरे कॉन्टेक्ट में, तो कह रहे हैं इस समय नॉर्थ ईस्ट आना उतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि जून जुलाई इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर। तो मेरा जो नेक्स्ट ट्रिप है वो थोड़ा बदल गया है, अब मैं नॉर्थ ईस्ट नेपाल भूटान नहीं जा रहा हूँ, दूसरी जगह जा रहा हूँ। जो नेक्स्ट ट्रिप मेरी रहेगी वो अब रहेगी, मेरी जो नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट होगी वो भी मध्य प्रदेश से, गुजरात महाराष्ट्र गोवा तेलंगाना उड़ीसा साइड, छत्तीसगढ़ दमन दीव दादरा नगर हवेली ये सब साइड कवर करूँगा, मेनली समझ लीजिए गुजरात महाराष्ट्र मुंबई गोवा के ट्रिप रहेगी। समझ लीजिए पहले जो ट्रिप थी उसको मैं थोड़ा बदल दिया है, अब मुंबई गोवा की ट्रिप रहेगी।
क्योंकि इस मौसम में इधर ही साइड मुझे लगा जाना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि बाकी ज़्यादा जगह बारिश शुरू हो जाएगी। अभी नॉर्थ ईस्ट भी जाएंगे अगले एक दो महीने बाद सोच रहे हैं नॉर्थ ईस्ट जाएँ, या अभी मुंबई गुजरात साइड गोवा साइड ट्रिप मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगी। तो नेक्स्ट ट्रिप मेरी इधर ही की रहेगी।